सभी छात्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। और बेटा ये क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 5A का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर मैंने आपको संतत असंतत के बारे में बताया था कि कौन से संतत होते हैं, कौन से नहीं होते, कब संतत होगा कब नहीं होगा। और ये आज दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, आज आपका 4th क्वेश्चन होगा। क्लास लंबी रहेगी काफी, और बिल्कुल आराम से करेंगे, समय में आएगा एक एक पॉइंट आपके, ठीक है। मेहनत करना आपका काम है। तो बेटा मैंने अभी तक जो आपको बताया था वो संतत असंतत इस तरह से बताया था कि यदि रिपीट करता हूं मैं, fx का मान, LHL का मान और RHL का मान, अगर ये तीनों मान आपके बराबर निकले, FX का मान, LHL का मान, RHL का मान, तीनों के तीनों मान अगर आपके इक्वल निकले तो फलन आपका संतत होगा, अन्यथा फलन आपका असंतत होगा। और अभी तक मैंने आपको इस तरह के सवाल बताए थे, जैसे उसमें यह दिया जाता था कि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, -3 पर, जांच कीजिए संतत है या नहीं। लेकिन इस बार टॉपिक चेंज करेंगे हम, इस बार fx के मान 2 दिए जाएंगे, 2 से ज्यादा दिए जाएंगे। और पहले पार्ट में जो हुआ था उसमें fx का मान केवल 1 ही दिया जाता था बेटा। इस सवाल में देखना, उस सवाल में देखना, किताब आप लोग मनोरे की खोल के बैठे, ठीक है। और fx का मान देखना, इसमें एक ये fx का मान है और एक ये fx का मान है। इस सवाल में fx के 2 मान है और उस सवाल में fx का केवल 1 ही मान होता था। तो बेटा यही अंतर है इन सवालों में, ठीक। अब बात सुनिएगा कि fx का मान कब कौन सा लेंगे। कभी हम fx का मान ऊपर वाला ले लिया करेंगे, कभी हम fx का मान नीचे वाला ले लिया करेंगे। इसके लिए पॉइंट क्या है, ये कैसे पहचाने। तो मैं एक ट्रिक लिखा रहा हूं आपको, कभी भूलना मत, 100% लागू होती है ये ट्रिक। समझना क्या ट्रिक है। LHL RHL, ठीक है। LHL के लिए बेटा ये चिन्ह देखा करना, RHL के लिए ये चिन्ह, LHL के लिए ये चिन्ह और RHL के लिए ये चिन्ह, समझने का प्रयास करना। ये ट्रिक आपकी लिखी रहेगी, मैं इससे ही पूरा सवाल सॉल्व कर दिया करूंगा। देखिए बेटा इस ट्रिक का मतलब, जब सवाल करेंगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस ट्रिक का मतलब क्या है, ठीक है। समझना, जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि fx बराबर इतने और इतने, तो x ग्रेटर देन इक्वल 5, x लेस देन 5, तो दर्शाइए है फलन संतत है। हमें ये दर्शाना है कि ये फलन संतत है या असंतत। तो समझना, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि संतत असंतत के लिए आपको पहला स्टेप है आपका fx का मान निकालना होगा, दूसरा स्टेप बेटा होगा आपका LHL का मान निकालना होगा, तीसरा स्टेप आपका होगा बेटा RHL का मान निकालना होगा। यदि ये तीनों मान बराबर आते हैं तो आपका फलन संतत होगा, यदि ये तीनों मान बराबर नहीं आते तो आपका फलन असंतत होगा। तो बेटा सबसे पहला स्टेप है fx का मान निकालेंगे हम, तो मैं निकालूंगा यहां से, सॉल्व करूंगा सवाल। सवाल को सॉल्व करने से पहले ये देखिएगा इस सवाल में x बराबर कितना दिया है। सवाल को सॉल्व करने से पहले ये देखिएगा इस सवाल में x बराबर कितना दिया है। मैंने देखा कि x बराबर इस सवाल में x बराबर 5 दिया है। देखिएगा ध्यान से, x बराबर 5 दिया है, और कुछ दिया है कहीं पे भी नहीं दिया ना।
तो यहां लिखेंगे x बराबर 5 पर। सवाल जो है बेटा आपका x बराबर 5 पर स्टार्ट होगा। अब x बराबर 5 पर चलेंगे तो बात ये उठ रही है, सबसे पहला स्टेप होता है fx का मान निकालना बेटा। तो मैंने लिखा fx बराबर, अब ये मुद्दा उठा कि fx के दो मान है, एक fx का मान ऊपर वाला है बेटा और एक fx का मान नीचे वाला है। अब मैं कौन सा मान लूं? तो ये देखना, आप x बराबर 5 पर बोल रहे हो ना, तो x बराबर 5 ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है? तो x बराबर 5 आपका ऊपर लिखा है। यहाँ पे देखो कहीं बराबर नहीं लगा, यहाँ लिखा यहाँ पे x लेस देन 5 है। यहाँ पे देखो ये नीचे एक लाइन जो खिंची होती है, इस तरह से एक लाइन खिंची होती है, इसे बोलते हैं बराबर। तो x बराबर 5 पर सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो x बराबर 5 आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो x बराबर 5 ऊपर है तो ऊपर वाला fx का मान लिया जाएगा। तो fx का मान बेटा मैं ऊपर वाला लिख दूंगा x माइनस 4। तो fx बराबर x का मान कितना है बेटा 5, तो x के स्थान पर 5 लिख दो माइनस 4, तो fx बराबर एक आएगा, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया बेटा fx का मान। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, आराम से समझना, बेशक टाइम लग जाए, यहां तक कोई समस्या आई? अब दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, LHL निकालना। तो मैंने हेडिंग डाली LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है कैसे निकालेंगे, जो पहले पार्ट में समझाया था उसी तरह से निकालेंगे। लिमिट कभी भी निकालो तो सबसे पहले आप लिखा करो लिमिट, एल आई एम, एल आई एम का मतलब होता बेटा लिमिट, और यहां लिख दो एक्स टेंस टू, ये तीर को बोलते हैं टेंस टू। अब एक्स टेंस टू, एक्स का मान कितना 5 है ना, तो यहां लिख दो 5। अब एल एच एल ले रहे हो ना, तो एल एच एल पे ध्यान रखना बेटा, एल एच एल पे आपका माइनस होता है और आर एच एल पे आपका प्लस होता है। ये ट्रिक लिख लेना बाद में आप लोग, एल एच एल पे माइनस होता है तो यहां माइनस लगा दिया मैंने, और यहां एफ एक्स जैसा का तैसा लिख दो पहले। अब बात ये उठ रही है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स का मान में ऊपर वाला लिखूं के नीचे वाला लिखूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ट्रिक बनाई है। अब ये ट्रिक बनाई है तो ये बताना, इस ट्रिक को देखना, हम LHL लेके चल रहे हैं, सवाल में x बराबर कितना है 5 है, तो इस ट्रिक में यहां लिख दो x के इधर 5 लिख दो दोनों तरफ। सुनना मेरी ट्रिक ध्यान से, आप ये चीज लिख लिया करो, LHL निकाल ले तो LHL का पॉइंट ये होता है ना, तो ये लिख लो, सवाल में x कितना है 5 है ना x बराबर, तो यहां लिख दो 5। अब ये ट्रिक ये कह रही है कि 5 की तरफ मोह फटा हो, ये देखो ये मोह खुला हुआ है और एक्स की तरफ मोह बंद है, समझना, 5 की तरफ मोह खुला हुआ है, एक्स की तरफ मोह बंद है, एक्स की तरफ बंद है। ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक कह रही है 5 की तरफ मोह फटा एक्स की तरफ बंद, तो ये कंडीशन कहां है कि 5 की तरफ मोह फटाओ एक्स की तरफ बंद हो, ऊपर या नीचे? तो देखो ये कंडीशन आपकी नीचे आ रही है कि 5 की तरफ मोह फटा है और x की तरफ बंद है, नीचे कंडीशन आ रही है। अगर नीचे कंडीशन आ रही है तो बेटा एफ एक्स का मान नीचे वाला लिया जाएगा, यानी कि 5x माइनस 24। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही एफ एक्स का मान रखेंगे बेटा लिमिट चेंज हो जाएगी। मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको कि एफ एक्स का मान रखते ही लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, अब लिमिट चेंज करेंगे तो यहां पे एच टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे और चेंज कब करते हैं, जब एफ एक्स का मान रख जाता है, तो यहां लिख दे या करना एच टेंस टू 0, 5 है 5, जो एक्स है ना आपका, इस एक्स के स्थान पर लिख दिया करना, यहां देखा करो यहां पे 5 माइनस लिखा है, तो x के स्थान पे लिख देना 5 माइनस और पीछे लिख दो h और माइनस 24 बेटा आपका जैसा का तैसा।
अब लिमिट रख दो एच का मान जीरो, तो देना पांच कोष्टक पांच, एच का मान जीरो तो यहां जीरो लिख दो, माइनस चौबीस, पचम पच्चीस, माइनस चौबीस, पच्चीस में से चौबीस गया बेटा, कितना बचेगा एक, ये आ गया आपका एल एच एल का आंसर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देखो मैं आराम से करा रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझना, क्योंकि हर साल प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन आता है, हर साल पांच नंबर में, इसलिए क्लियर कर लेना। अब हम क्या करेंगे, आर एच एल लेंगे, तो यहां लिखेंगे आर एच एल, आर एच एल लेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स का मान कितना बेटा पांच है, तो यहां लिख दो पांच, आर एच एल पे बेटा प्लस होता है, तो यहां लिख दो प्लस, और यहां लिख दो एफ एक्स। अब बात ये उठ रही है बेटा कि एफ एक्स का मान कौन सा रखें, यहां एफ एक्स आया है ना, तो एफ एक्स का मान तो रखना ही है, अब ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ट्रिक याद करो, आर एच एल की बेटा ट्रिक है एक्स ये वाली, आर एच एल की ट्रिक ये होती है, आर एच एल की ट्रिक ये है, इसे उतारा और सवाल में एक्स बराबर कितना दिया है पांच, तो यहां लिख दो पांच। ट्रिक ये कह रही है कि एक्स की तरफ मुंह फटा हो और पांच की तरफ मुंह बंद हो, देखो एक्स की तरफ मुंह फाड़ दिया हमने और पांच की तरफ बंद है, तो देखो एक्स की तरफ मुंह फटा, ऊपर देखना ध्यान से, देखो ऊपर वाले में एक्स की तरफ मुंह फटा हुआ है और पांच की तरफ बंद है, तो ऊपर की कंडीशन है, तो ऊपर की कंडीशन है, तो एफ एक्स का मान ऊपर वाला आएगा, यानी कि एक्स माइनस चार। अब हम क्या करेंगे बेटा, लिमिट आपकी जैसे कि तैसे, जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाए वैसे लिमिट चेंज कर देंगे, यानी कि लिमिट चेंज करेंगे क्या करेंगे, तो एच टेंस टू जीरो लिखेंगे यहां, और एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे अब, तो यहां देखो पांच प्लस है, तो पांच लिखो प्लस लिखो, अपनी तरफ से पीछे लगा दो एच, तो एक्स के स्थान पे लिख दिया हमने माइनस चार, जैसा का तैसा, लिमिट रख दो एच का मान जीरो, तो पांच प्लस जीरो माइनस चार, पांच में से माइनस चार करना तो एक बचेगा, जे आ गया आर एच एल का मान। अब ध्यान से देखना, आपने एफ एक्स का मान एक निकाला, एल एच एल का मान एक निकाला, आर एच एल का मान एक निकाला, तो यहां लिखेंगे चूके एफ एक्स का मान बराबर है, एल एच एल का मान बराबर है, आर एच एल का मान, तीनों मान बराबर आए हैं, इसलिए एक्स बराबर कितना पांच, एक्स बराबर पांच पर यह फलन संतत है। हो गया क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर पांच आपका स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन ये है कि यदि एक्स बराबर एन, एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स याद एन, इस सवाल में बेटा एफ एक्स का मान केवल एक दिया है, वो भी क्या है, एफ एक्स का मान एक्स याद एन है, तो जब एफ एक्स का मान एक दिया हो केवल, तो इस ट्रिक का कोई महत्व नहीं होता। अब एफ एक्स बराबर एक्स याद एन है और एक्स का मान एन दिया है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह फलन संतत है, दर्शाना है कि यह फलन संतत है। संतत का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मान निकालना, एल एच एल का मान निकालना, आर एच एल का मान निकालना, अगर ये तीनों मान आपके बराबर आते हैं तो फलन संतत होगा, और ये तीनों मान आपके बराबर नहीं आते तो फलन असंतत होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एफ एक्स का मान निकालूंगा, हल करेंगे यहां से, एफ एक्स बराबर, सवाल में एक्स बराबर कितना दिया है, एन दिया है, एक्स बराबर एन पर, तो एफ एक्स का मान कितना है, एक्स ही घात एन है, तो एफ एक्स बराबर एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर एन है, तो एक्स के स्थान पर बेटा एन लिख देंगे, और ये घात एन जैसा का तैसा, ये एफ एक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे बेटा एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट
एल एच एल लिमिट है, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स का मान कितना दिया एन, तो यहां लिख दो एन, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस आएगा, और यहां लिख दो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स का मान कितना दिया, ये लिखा है यही है एफ एक्स का मान, तो यही रखते रहो एक्स या एन। जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाए तुरंत लिमिट चेंज कर देते हैं। अब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो, लिमिट हो जाएगी बेटा एच टेंस टू जीरो, और ये एक्स आया है इस एक्स के स्थान पे लिख दो, यहां देखो एन माइनस, एन माइनस यहां एन माइनस है, एन माइनस पीछे क्या लिख देंगे एच, और ये घात एन जैसे के तैसे, एच का मान जीरो रख दो और लिमिट को हटा देना, एन माइनस एच का मान जीरो, तो यहां लिख देंगे जीरो घात एन, और एन में तो जीरो जाएगा एन बचेगा, और घात एन, ये आ गया आपका एल एच एल का मान। अब बेटा निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना दिया बेटा, एक्स का मान एन है तो एन, और आर एच एल है तो प्लस, यहां लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स का मान कितना बेटा, एफ एक्स का मान एक्स ही आता है एन। जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाए लिमिट चेंज हो जाएगी, तो आप लिमिट चेंज कर दो इसकी, तो लिमिट लिमिट चेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे एच टेंस टू जीरो, एक्स का मान कितना है, एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहां देखो एन प्लस है, तो एक्स के स्थान पे लिख दो एन प्लस, और पीछे क्या लिख देंगे एच, और घात एन जैसा का तैसा, एच का मान जीरो रख दो तो एन प्लस जीरो और घात एन, और जीरो का कोई महत्व नहीं तो एन की घात एन, ये आ गया आपका आर एच एल का मान। तो बेटा आपने एल एच एल का मान निकाला, एफ एक्स का मान निकाला, एल एच एल का निकाला, आर एच एल का निकाला, तीनों कैसे आए, बराबर आए, तो लास्ट में लिख देना चूके एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, यानी कि तीनों के तीनों मान बराबर आए हैं, अतः एक्स बराबर एन पर यह फलन संतत होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को जितना मोस्ट लगा पाओ उतना मोस्ट लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें एक्स के इस तरह के मान दिए हो, जीरो भी दिया हो, एक भी दिया हो, दो भी दिया हो, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ जीरो नहीं दिया, यहाँ एक दिया, यहाँ तो चलो एक है, यहाँ दो दिया, यहाँ पे दो नहीं है, तो ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये संतत है। अब इस सवाल में तीन सवाल है बेटा, एक एक्स बराबर जीरो का, एक एक्स बराबर एक का, और एक एक्स बराबर दो का। ये तीन सवाल आपके बहुत अच्छे सवाल हैं, जो छात्र इन तीनों को समझ जाएगा मैं आशा करता हूं वो पूरे सवाल इस एक्सरसाइज के कर सकता है। देखिएगा सबसे पहले एक्स बराबर जीरो का मेटेरियल करते हैं, हम हल करेंगे, यहां से लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, मैंने लिखा बेटा एक्स बराबर जीरो पे, तीन स्टेप होते हैं आपके, पहला स्टेप होता है एफ एक्स, दूसरा स्टेप होता है एल एच एल, तीसरा स्टेप होता है आर एच एल। जो तीन स्टेप निकाल लिए सवाल हो जाएगा पूरा, अब समझना। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स निकालूंगा, तो एफ एक्स बराबर, अब बात ये उठ रही है कि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान निकालेंगे हम, तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर जीरो इसमें कहीं दिया है, देखो एफ एक्स का मान एक ही है और एक एफ एक्स का मान ही है, तो एक्स बराबर जीरो आपका कहीं दिया गया है क्या, एक्स बराबर जीरो इनमें
एक्स बराबर जीरो आपका कहीं नहीं दिया गया, तो इसका मतलब एफ एक्स का मान यहां पर नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? एक्स बराबर जीरो आपका कहीं नहीं दिया गया बेटा, तो इसका मतलब आपका एफ एक्स का मान यहां पर नहीं निकलेगा। लेकिन लेकिन एक्स बराबर जीरो ये बताना, बहुत से बच्चे एक्स बराबर जीरो देखते हैं तो इसमें एक्स बराबर जीरो नहीं है तो छोड़ देंगे सवाल। लेकिन ये सोचना कि जो एक्स बराबर जीरो है ना, वो आपका एक से छोटा है। मेरी बात जरा ध्यान से देखना, सुनना। एक्स बराबर जो जीरो है ना आपका, वो आपका एक से छोटा है। सही बात है, एक आपका बड़ा है, एक्स जीरो ये आपका छोटा है। मेरी बात ध्यान से समझना, एक्स बराबर जीरो है बेटा, वो आपका एक से छोटा है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो जो है से बड़ा एक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, जीरो से बड़ा एक है। अब बेटा ये बताना कि जीरो जो है वो किसका मान है? जीरो आपका एक्स का मान है, तो आप जीरो के स्थान पर एक्स नहीं लिख सकते, और ये जैसा का तैसा। सही बात है गलत है? अब ये चीज देखना, ये चीज आपकी कहां है? ये चीज आपकी बेटा ऊपर दिखाई दे रही है मुझे, तो एफ एक्स का मान एक्स बराबर जीरो पर ऊपर वाला लिया जाएगा। नहीं समझे? चलिए एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं। बहुत से बच्चे x बराबर जीरो देख के इसे छोड़ देंगे, करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने गलत कर लिया, ध्यान रखना। सवाल में x बराबर जीरो दिया है, मेरा बात समझना, रफ्तार है ये। x बराबर जीरो है ना, टाइम लगे लग जाने देना, कोई जरूरी नहीं है कि हमें सवाल जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, आराम से करेंगे, एक करो, लेकिन माइंड बनना चाहिए बेटा, समझना। एक्स बराबर जीरो दिया गया है सवाल में, तो एक्स बराबर जीरो दिया गया, अब इसमें जीरो का कोई मैटर नहीं है, तो मैंने सोचा कि जीरो जो है आपका एक से छोटा है, एक बड़ा होता है जीरो से। ये चीज जानते होगे ना, एक बड़ा है तो एक कितने में फाड़ देंगे, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। अब यहां देखा बेटा मैंने कि ये जीरो आ गया और जीरो एक्स का मान है, तो इस जीरो की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब ये चीज देखें, ये चीज यानी एक की तरफ मुंह फटाओ, एक्स की तरफ बंद हो, तो एक की तरफ मुंह फटाए, एक्स की तरफ बंद है, तो ऊपर की कंडीशन है, तो एफ एक्स का मान ऊपर वाला लिया जाएगा। समझ गए होंगे अब तो? क्लियर? कमेंट में यस लिख दो। अब एफ एक्स बराबर एक्स का मान कितना बेटा? जीरो, तो यहां जीरो लिख दिया जी, आ गया एफ एक्स का मान, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब बेटा दूसरा स्टेप क्या है? एल एच एल, तो यहां लिखेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? जीरो है, तो जीरो लिखा, और एल एच एल है तो माइनस लगाएंगे, आर एच एल होता तो बेटा प्लस लगाते, और यहां लिख देंगे एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। अब एफ एक्स का मान कौन सा रखे, ऊपर वाला के नीचे वाला? अब जीरो माइनस है बेटा, और जीरो माइनस है यानी कि जीरो माइनस, जीरो में से कोई चीज माइनस करोगे तो वो एक से छोटी ही होगी। जैसे जीरो माइनस का मतलब होता है, जीरो में से मैंने मान लो एक माइनस किया तो आपका माइनस एक आएगा, अब माइनस एक भी तो आपका छोटा होता है एक से, और माइनस एक कब आया? जब जीरो माइनस था, और जीरो माइनस कब था? जीरो माइनस तब था जब एक्स था यहां, तो यहां पे भी आप एक्स लिख सकते हो। समझने का प्रयास करना थोड़ा, जीरो माइनस का मतलब होता है एक से छोटा, जीरो माइनस का मतलब एक से छोटा, ठीक है ना?
तो एक से छोटा ही होगा, जीरो प्लस होगा तो भी एक से ही छोटा माना जाएगा, जीरो प्लस कहेंगे तो भी एक से छोटा माना जाएगा। हाँ आप कहोगे जीरो प्लस में सर हम दो करते तो एक से बड़ा हो गया। अरे दो तो तब करते जब वो एक प्लस कहता। एक स्टेप ही आगे बढ़ो, ज्यादा मत बढ़ना, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, जीरो माइनस है तो एक से छोटा है तो आपका ऊपर वाला ही आएगा, जीरो माइनस हो तो एक से छोटा होगा। एक चीज सीखो, ये पॉइंट बना लेना आप, जैसे जीरो माइनस का तो एक से छोटा, जीरो प्लस का तो एक से छोटा, समझना मेरी बात। मैंने दो माइनस का, दो माइनस का तो तीन से छोटा, दो प्लस का तीन से छोटा, मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। यानी कि यहां पे जो संख्या होती है उससे एक बढ़कर छोटा छोटा कर देते हैं, यहां दो है तो यहां तीन से छोटा, यहां दो है तो तीन से छोटा। तो भी अगर मैं कहूं पांच प्लस छह से छोटा, बोलो बस लिमिट का यही तो खेल है। बहुत से पांच प्लस में छह से बड़ा भी मान लेते, गलत हो जाता है। पांच माइनस छह से छोटा, यहां पे जितना हो उससे छोटा रखो बस, ठीक है। अब नहीं बोलोगे तो चलिए सवाल की ओर। तो बेटा यहां पे मैंने देखा जीरो माइनस है तो एक से छोटा कहूंगा, और एक से छोटा यही है ऊपर की कंडीशन, तो ऊपर वाला ही आएगा एफ एक्स का मान एक्स। अब जैसे ही एफ एक्स का मान रहेगा लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स के स्थान पर लिखेंगे जीरो माइनस, एक्स के स्थान पर लिखेंगे जीरो माइनस, पीछे क्या लगा देंगे एच, लिमिट एच का मान जीरो रख दो, तो जीरो माइनस जीरो एच का मान जीरो रख दिया एच के स्थान पर, तो जीरो आ गया जी एल एच एल का मान। अब निकालेंगे आर एच एल का मान, आर एच एल तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा जीरो, और आर एच एल है तो प्लस आएगा, और यहां लिख देंगे एफ एक्स, तो लिमिट जीरो प्लस, जीरो प्लस कहेगा तो भी एक से छोटा, ध्यान रखना, तो जीरो प्लस का है तो एक से छोटा, तो ऊपर की कंडीशन है, क्योंकि ये एक से छोटा है तो ऊपर की कंडीशन ही है ना, तो ऊपर की कंडीशन में एक्स आएगा जीरो, एफ एक्स का मान आएगा एक्स, और एक्स टेंस टू जीरो, जैसे ही एफ एक्स का मान रखे लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट चेंज करेंगे एच में कन्वर्ट होगी, तो एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो जीरो प्लस, तो जीरो प्लस पीछे लगा दो एच, तो एच का मान जीरो रख दो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, जी आ गया आर एच एल का मान। तो यहां लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर, तीनों के तीनों मान बराबर आए हैं, अतः यह एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। आप लोग हिंदी तो लिख लिया करोगे नीचे कि एक्स बराबर जीरो पर कैसा निकला, संतत निकला, क्योंकि तीनों कंडीशन पर कैसा आया, ये बराबर आया, ध्यान रखना। अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्स बराबर एक के लिए, तो एक्स बराबर जीरो पे कैसा आया बेटा, संतत आया। अब एक्स बराबर एक के लिए स्टार्ट करते हैं हम, चलिए एक्स बराबर एक पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स का मान। तो सुनिएगा, एफ एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक कहां, ये ऊपर ही लिखा है, देखो ध्यान से, एक्स बराबर एक दिख गया ना, एक्स बराबर एक ऊपर लिखा है, दिखा है ना, तो एक्स बराबर एक ऊपर लिखा है तो ऊपर वाला आएगा एफ एक्स का मान आएगा एक्स, और एक्स का मान कितना एक, तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, ये आ गया एफ एक्स। अब निकालेंगे बेटा एल एच एल, एल एच एल कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू कितना, एक्स बराबर एक है तो यहां लिख दो एक, एल एच एल है तो माइनस, और यहां लिख दो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एक माइनस। अब बात ये उठ रही है एफ एक्स का मान क्या रखे, ऊपर वाला नीचे वाला, तो अब देखो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर एक पर है, तो ये एल एच एल का ये पॉइंट होता है कि एल एच एल का ट्रिक यही तो है, एल एच एल का ट्रिक ये है, और एक्स बराबर कितना एक, तो ये ट्रिक ये कह रही है कि एक्स की तरफ मुंह बंद हो और एक की तरफ फटाओ,
एक्स की तरफ मोबंदो एक की तरफ हटाए तो ऊपर वाली कंडीशन है, तो ऊपर वाला ही आएगा एफ एक्स का मान एक्स। जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाए तुरंत लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, तो एच में लिमिट चेंज कर देंगे तो एच टेंस टू जीरो। इस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहां देखो वन माइनस है तो यहां लिख दो वन माइनस, पीछे क्या लगा देंगे एच, एच का मान जीरो रख दो तो वन माइनस जीरो तो आपका आ गया वन, जी आ गया एल एच एल का मान। अब निकालेंगे बेटा आर एच एल, आर एच एल पे देखना लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखी एक्स टेंस टू लिखा, एक्स टेंस टू, अब एक्स बराबर कितना एक है, यहां लिख दो एक और प्लस आएगा आर एच एल है तो एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स का मान क्या रख दें, ऊपर वाला नीचे वाला, तो आर एच एल लेना, तो आर एच एल की ट्रिक ये होती है, तो आर एच एल की ट्रिक उतार लो आप, और कितना एक्स बराबर एक है तो यहां लिख दो एक, यानी एक्स की तरफ मुंह फटाओ और एक की तरफ बंद हो, तो एक्स की तरफ मुंह फटाइए देखो और एक की तरफ बंद है तो नीचे वाला आएगा, तो एफ एक्स का मान पांच रख दो, एफ एक्स का मान कितना पांच। अब ध्यान देना जैसे ही एफ एक्स का मान रखते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं, लेकिन यहां एफ एक्स का मान संख्या है और संख्या की लिमिट संख्या ही होती है बेटा, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पांच है ना तो पांच की लिमिट पांच ही रख दो बस। अब यहां देखना बेटा आपने एफ एक्स का मान निकाला, एल एच एल का मान निकाला आपने बेटा, आर एच एल का मान निकाला आपने, लेकिन एफ एक्स का मान एल एच एल के बराबर तो आया, एफ एक्स का मान एल एच एल के बराबर आया, लेकिन एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं आए। जब एक चीज फोल्ट हो गया यहीं पे कि ये एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, तो इसलिए एक्स बराबर एक पर असंतत है, तो यानी कि एक्स बराबर एक पे कैसा आया बेटा असंतत। अब नंबर है एक्स बराबर दो का, समझ में आ रहा होगा, तो एक्स बराबर दो पे पता करेंगे संतत है या असंतत, ये भी देखें। देखिए मैं डालता हूं एक्स बराबर दो पर, अब बात ये उठ रही है एक्स बराबर दो, इनमें तो कहीं नहीं बराबर एक्स बराबर दो, लेकिन दिमाग लगाओ कि आपने एक्स बराबर लिया है दो, रफ्तार देखना, और दो जो होता है एक बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है, दो बड़ा होता है, सही बात है गलत है। अब ये दो किसका मान है, अब एक ही क्यों ले रहे हैं यहां पे हम, क्योंकि यहां एक दिया है इस वजह से, एक से ही तुलना करेंगे हम, तो दो लिया तो दो एक से बड़ा होता है, और एक से बड़ा है और कौन दो, और दो किसका मान है एक्स का, और ये जैसा का तैसा, तो ये चिन्ह देखो एक्स बराबर दो का, ये वाला चिन्ह एक्स की तरफ मुंह फटाओ एक की तरफ बंद हो, तो ये नीचे वाला आ रहा है तो एफ एक्स का मान लिख देंगे पांच, समझ गए ना, एफ एक्स का मान क्या लिख देंगे, नीचे वाला चिन्ह आ रहा है तो नीचे वाला एफ एक्स का मान लिख दिया पांच, तो ये आपका एफ एक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे बेटा एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा दो है तो यहां लिख दो दो, एल एच एल है तो माइनस, यहां लिख दो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू दो माइनस, अब एफ एक्स का मान क्या रहे, क्या वो दो से कम है, और दो से कम है तो वो तीन से छोटा है, या दो से कम है तो भी एक से बड़ा होगा, अभी बताया था मैंने जैसे जीरो है तो यहां एक बढ़ के बोल देते इससे छोटा, यहां दो है तो यहां तीन से छोटा, एक बढ़ के बोलते हैं, अब एक बढ़ के बोल दिया तीन से छोटा होगा तो वो एक से बड़ा तो होना ही है, तो एक से बड़ा होना है तो यही कंडीशन आनी है एल एच एल पे भी, आर एच एल पे भी यही कंडीशन आनी है, एल एच एल पे भी यही कंडीशन आनी है बेटा, कौन सी पांच, और संख्या की लिमिट संख्या ही होगी। अब मैं यहां लिखा रू आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू कितना दो, आर एच एल पे प्लस एफ एक्स, और दो प्लस है तो वो भी एक से छोटा होगा, दो प्लस करोगे
तो दो प्लस का मतलब तीन से छोटा होना ही है वो, और तीन से छोटा है तो एक से तो बड़ा ही है, तो एक से बड़ा होगा तो एक से बड़ा होगा तो यही कंडीशन जाएगी, यानी दो एक से बड़ा होगा ना तो यही कंडीशन जाएगी, तो नीचे वाला पांच लिख दो। तो लिमिट x टेंड्स टू दो प्लस पांच, और संख्या की लिमिट संख्या ही होगी, यहां लिखेंगे पांच आया पांच आया पांच, तीनों बराबर आए इसलिए संतत है। और लास्ट में बेटा एक निचोड़ लिख देना पूरा, अतः सिद्ध होता है कि x बराबर एक पे ही तो असंतत आया है, अतः सिद्ध होता है कि यह फलन x बराबर एक पे असंतत है और जीरो और दो पर संतत है। उम्मीद है समझ में आया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया था थोड़ा। चलिए तो आज की क्लास बेटा इतना ही रखते हैं हम, नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी आपको। छह क्वेश्चन हो गए आपके, अब रही बात आपके प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस करना इन सवालों का, प्रत्येक सवाल होगा एक एक सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन घर से नहीं देंगे हम, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, आराम से करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाना सभी बच्चे, और शेयर यार जरूर कर दिया करो अपने पांच दोस्तों को, डेली पांच दोस्तों को कर दो, उनसे कहो सब्सक्राइब करें और उनसे कहो आप भी शेयर करें, ठीक है। जब चैन से चैन जुड़ेगी तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।